हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी रेसिपी में। देखिए, आज की हमारी रेसिपी है गुड़ और वाइट वाले तिल की चिक्की। देखिए, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको इजी रेसिपी की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इसके लिए हमने एक पैन ले लिया है। आप किसी भी तरीके का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप का बर्तन लेना है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें प्रॉपर तरीके से जो वाइट वाले तिल होते हैं वो रोस्ट हो पाएंगे, उसको आप ले सकते हैं, जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। देखिए, हमने अपने ज़रूरत के अनुसार जो वाइट सेसमे होते हैं, उसको आप नॉर्मली वाइट वाले तिल बोलते हैं, सफ़ेद वाले जो तिल होते हैं। देखिए गाइस, फिर हमने इसमें अपने ज़रूरत के अनुसार 3 बाउल में वाइट वाले तिल इसमें ऐड कर लेने हैं। देखिए गाइस, इस तरीके से फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से रोस्ट कर लेंगे, मतलब कि हम इसको प्रॉपर तरीके से भून लेंगे इस तरीके से। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, अगर दीपावली के अवसर पर अगर आपको अपने रिश्तेदारों में, अगर आपको अपनी चाची के घर, मौसी के घर, किसी के घर भी मिठाई देनी है, आपको खुद अपने हाथों से बना के देनी है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ वो आपके बनाई हुई मिठाई की बहुत खूब सारी तारीफ़ करें, तो गाइस प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में आप ले सकते हैं और ज़्यादा क्वान्टिटी में आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इतना टफ़ नहीं है कि ये मिठाई है तो यार बनाने में बहुत टफ़ होगी या फिर इसको हलवाई ही बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप घर पे इजीली तरीके से बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद फिर हम देखिए गाइस, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से हमने इसको मिक्स करते रहना है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो हो सकता है ये ज़्यादा रोस्ट हो जाए या फिर जल जाए, इसके लिए आपको इसको प्रॉपर तरीके से, ये देखिए रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने जो गुड़ की चाशनी होती है उसको रेडी कर लेना है। एक पैन ले लिया है, उसमें हमने वाटर ऐड कर लिया है। गाइस देख सकते हैं, इस तरीके से वाटर ऐड करने के बाद जब वाटर हमारा बॉयल हो चुका है तो हमने इसमें गुड़ को ऐड कर लिया है। इस तरीके से देखिए, हमने इसमें गुड़ को ऐड कर लिया है। फिर हम इसे प्रॉपर तरीके से मिक्स करते रहेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि गुड़ को आपको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए कुक करना पड़ेगा। ज़्यादा देर के लिए आपको इसको देखिए इस तरीके से, बहुत लगभग 15-20 मिनट के बाद इसका टेक्सचर ऐसा हुआ था। देखिए, फिर पानी में इस तरीके से डाल के हम इसको चेक करेंगे। अगर ये सेपरेट रहता है, अगर ये फैलता है, तो इसका मतलब है कि गुड़ की चाशनी रेडी नहीं हुई है। अगर ये इस तरीके से हो गया तो इसका मतलब है अब ये रेडी हो चुका है। फिर हमने इसमें रोस्टेड जो वाइट वाले सेसमे हैं, वाइट वाले तिल हैं, सफ़ेद वाले इसमें ऐड कर लिए हैं। गाइस देखिए, इस तरीके से हमने वाइट वाले तिल अब इसमें ऐड कर लिए हैं। जितनी भी क्वांटिटी में हमने रोस्ट किए थे हमने ऐड कर लिए हैं इसमें। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना है तो आपको चाशनी भी उसी तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। देखिए गाइस, फिर हम इसको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको कम कर देना है। आपको गैस को एकदम से बंद भी नहीं करना है, कम करना है इसकी फ्लेम को। अगर आप गैस को बंद कर देंगे तो ये सॉलिड टेक्सचर लेना लगेगा, ये मतलब कि ये ठोस होने लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसको आप प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में हीट रेगुलर देते रहना है। गैस को बंद नहीं करना है आपको, आपको इस तरीके से फिर इसको मिक्स कर लेना है। देखिए गाइस, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, मतलब कि ना ही ये ज़्यादा ठोस है ना ही एकदम लिक्विड है। मतलब ये है कि हम इसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे वाले पैन में। अगर आपको इसको ट्रांसफ़र करना पड़े इसको शेप देने के लिए, तो आप इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो मैं बता रही हूँ कि गैस की फ्लेम को आपको कम करना है, तो इसलिए आपको ये सब करना था। देखिए, अब हमने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में मैंने देसी घी को इस तरीके से, देखिए इसकी कोटिंग कर ली है मैंने, देसी घी को इस तरीके से इसमें लगा लिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने जो भी रेडी करके रखा हुआ है, हमने गुड़ की चाशनी और वाइट वाले तिल से जो बना हुआ, देखिए, फिर हम इसमें मिक्स कर लेंगे उसको। मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि एकदम मिक्स करते रहेंगे, हम इसको इसके ऊपर ऐड कर लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे मतलब। फिर ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको प्लेन कर लेंगे इसकी सरफेस को, ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से कटिंग कर सकें, शेप दे सकें। आप चाहें तो इसको गोल गोल लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं, आपको जो भी शेप पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं।
देखिए गाइस, जब हमने इसमें इस तरीके से इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, अभी ये गर्म ही है, गर्म रहते ही आपको इसको सेप देना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो गाइस ये सेप नहीं लेगा, तो इसके लिए आपको इसको गर्म में ही आपको सेप देना पड़ेगा। देखिए गाइस, इस तरीके से आपको इसकी सरफेस को इस तरीके से फैला लेना है, प्लेन कर लेना है इसकी सरफेस को। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड गाइज, मैंने इसको फाइनल टच देने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने पम्पकिन सीड्स का यूज किया है। देखिए अब मैंने इसमें पम्पकिन के सीड्स को ऐड कर लिया है इस तरीके से डेकोरेशन देने के लिए। इसका दीपावली का त्यौहार है, हर जगह डेकोरेशन का माहौल रहता है कि इस चीज़ को डेकोरेट करो इस चीज़ को, तो मैंने सोचा कि मैं मिठाई को ही इस तरीके से डेकोरेट कर लूँ, तो इसलिए देखिए मैंने पम्पकिन सीड्स का यूज किया है। गाइज देख सकते हैं आप इस तरीके से। गाइज मुझे तो ये जो गुड़ की चिक्की होती है बहुत ज़्यादा पसंद है, आई होप आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। जिनको भी पसंद है गाइज प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम इसको प्रॉपर तरीके से कट कर लेंगे। मैंने टाइटली जो है प्लेट को पकड़ा हुआ है ताकि ये इधर उधर खिसके नहीं। देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है क्योंकि ये गाइज बहुत ही टाइट है। जब आप इसको खुद बनाएंगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ की फीलिंग आएगी कि ये हाँ सच में टाइट है, मुझे इस तरीके से पकड़ लेना चाहिए, इसलिए मैंने भी इसको टाइट तरीके से पकड़ा है, फिर मैं इस तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने जितने भी साइज़ के मुझे पीसेस पसंद है मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं गाइज। आप चाहें तो अगर आपको ज़्यादा रिश्तेदारों में देने हैं तो आप छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं, और इससे भी छोटे पीसेस इसके हो सकते हैं। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसको गर्म रहते ही आपको कट कर लेना है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये बाद में कट नहीं होगा। देखिए गाइज बन के रेडी है, एकदम ही बहुत ही स्वीट सी मिठाई है हमारी गुड़ और तिल की चिक्की। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।